नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका च और मैं तो आशा च कि आप सभी सुखी स्वस्थ वाला अपर अपर घौरम वाला। और अभी मैं अपर पहाड़ उत्तराखंड में छूँ। उत्तराखंड में 13 जिला छी, जन आप सबू थे पता हुआ 13 जिलों बटी एक पौड़ी जिला छे, जो बहुत ही बड़ू जिला छे पौड़ी। और वे का एक छुटू मतलब कोणा में हम छो, अभी मैं खड़ू छो। और जैसे जन आप थे दिखेने वाले, जरा इन्हीं घुमाए कैमरा पे, यू प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर छे हमार पौड़ी, कोई भी कमी नहीं छे। और यख जो कमी है तो वो के कमी हुआ है, रोजगार कमी। तो रोजगार नहीं छा यख, जो नौजवान छे वो किले उल पलायन कर। तो जो मेन जो कारण छा, प्रमुख कारण वो यही छा कि यख आज हर घर में ताला लग गया छी। ताला लगने के पीछे यही छे कि उनते 7,000-10,000 कुछ तो मिल जान रोजगार तनख्वाह, तो वो नहीं कर दा पलायन। तो क्या दिन हमारी जो फांग होने छा ताला मेरे से, ये जो हरा भरा दिखेगा कि यू बंजर नहीं था, आज एक टाइम पर यू सभ्य बंजर होगी और गिना चुना कोई लोग रहेगी। अमूल भी बस बकरी पालन पर प्रमुख जो साधन च जीवन यापन वो बढ़ा लें। और यू नहीं हुंदा बंजर, क्योंकि दूसर जो मेन जो प्रॉब्लम च परेशानी वो बांदर उग च, बांदर उल क्या रहा चुकपट। तो यू च बांदर गूनी, तो वे अब क्या है क्या टाइम पर तो आदमी जान भी चाहिए ना, भीतर जान भी आराम करना चाहिए। तो सब जंगली जानवर ही आला है, तो इन होने चाहिए। और अब कुछ तो जो था चलने से, कुछ जो था कोरोना काल हम जो पहली लहर आई थी कोरोना की, तो वे में घरम भी आयु छे वो लोग, पर उनसे कुछ नहीं मिल। कुछ टाइम तक वो मनरेगा जो करूँ छा बढ़ूँ छा, तो वे गया चाहूँ, पर फिर वो भी चल गई। निराश हुई कि दोबारा से वो भी मजबूरी बस काम पर जाने छा, कि लड़की नहीं हूँ मैं अच्छी गुजर बसर उन बाने। तो ये चे और सबिक जो जू चो वो यखी बसना के बोल मैं, पर वही बात छे कि रोजगार नीचे है ना, तो ये मजबूरी बस जानी पड़े थे। और हमारे जो उत्तराखंड का लोग थी वो बहुत हाई पोजीशन में भी थी, और कुछ जो मंझले उद्योग होंगे थी वो भी थी, जन हॉस्पिटलिटी सेक्टर होंदा आपका, तो वे में थी। तो वो घर आयु छे, घर आया था वो, पर वो चल गई। और फिर हमारे पहाड़म भी कोरोना पहल दा तो क्या हुआ कि 14 दिनक क्वारंटीन सबुल कार, अब इस बार कैल भी वो फॉलो नहीं कार। तो यख भी लोग जो थी भंडिया लोग चपेटा में आ गए कोरोना के, तो ये सब समस्याएं होने च। और यही गुजारिश अगर सरकार अब तो तब अगर जान जो मेरी बात अगर सरकार तक पहुंचती है मेरी बात, तो यही है कि गांव वालों के लिए अभी तक हमें यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इस ढैया में हमको आना पड़ रहा है। ढैया मतलब ये जो हिल होती है पहाड़ी, वहाँ पे भी मतलब नाम मात्र की कनेक्टिविटी है। तो पूरी तरीके से हमारा इधर आओ जरा, ये बच्चा है, ये क्लास 5th में पढ़ता है, ठीक है। तो अभी क्लास 5th में इनका प्रमोशन हुआ है, प्रमोट हुए हैं ये, लेकिन इनको जो है अभी तक इनका जो काम है उनको दूसरे बहुत नीचे से और यहाँ पर आना पड़ता है अपने 2-3 जो डाउनलोडिंग होती है पढ़ाई उसके लिए। तो अगर कुछ कर पाए तो डिजिटल कनेक्टिविटी और ये सब सारे गांव में कनेक्शन हो, है ना, तो इस चीज़ की मतलब अश्योर करे सरकार। तो यू ही में कहना चाहूँ, और जो भी त्रुटि हुआ गड़वाले मिथे क्षमा करें, और वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा और लाइक करा, हमारे चैनल थे सब्सक्राइब करा। धन्यवाद।